हाय, गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं हूं जसमीन पटेल। वेलकम बैक टू द शो मॉर्निंग मोटिवेशन। खुशियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो यहां परेशान बहुत है। हर कोई कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जब कुछ अच्छा हो तो मैं लकी हूं, लेकिन कुछ अनचाहा हो जाए तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अरे ऐसे देखा जाए तो हर इंसान परेशान है इस दुनिया में, लेकिन उनमें से कुछ लोग मुस्कुराने की हिम्मत भी रखते हैं। तुझे पता है, पानी में गिरने से जान नहीं जाती है, जान तब जाती है जब तैरना ना आता हो। वैसे ही बुरे वक्त में हर इंसान बिखरता नहीं है, बिखर वो जाते हैं जो उस वक्त को बुरा मान लेते हैं, और निखर वो जाते हैं जो उसे एक मौका मान लेते हैं। अरे तेरी जिंदगी में अगर बुरा वक्त ही नहीं आएगा तो तू अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कैसे पहचानेगा। तुझ में छुपी ताकत और तेरी ताकत में छुपा तेरा भविष्य कैसे पहचानेगा। दुनिया को छोड़ खुद तू तेरे साथ है कि नहीं, ये तू कैसे पहचानेगा। क्योंकि कौन कब किसका कितना है, ये तो यही वक्त बताता है। चल एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। सुपरवाइजर जो था वो 8वें माले पर था और सारे वर्कर्स ग्राउंड फ्लोर पर काम कर रहे थे। सुपरवाइजर को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो ऊपर से वर्कर्स को आवाज़ देने लगा, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। उसने बहुत देर तक कोशिश की लेकिन कोई ऊपर देख ही नहीं रहा था। तो सुपरवाइज़र को एक आइडिया आया। उसने 10 रुपये की एक नोट नीचे फेंकी। पवन बिल्कुल भी नहीं था उस दिन। उसने सोचा कि जिसके हाथ में ये नोट आएगी वो तो कम से कम ऊपर देखेगा। तो 10 रुपये की वो नोट नीचे गिरी। एक वर्कर की उसके ऊपर नज़र भी पड़ी, लेकिन उसने तो उस नोट को उठा के अपनी जेब में डाल दिया और फिर वो अपना काम करने लगा। सुपरवाइजर ने सोचा इस बार 100 रुपये की नोट फेंकता हूँ, तब तो कोई पक्का ऊपर देखेगा। तो उसने 100 रुपये की नोट नीचे फेंकी। एक वर्कर की नज़र पड़ी, उसने भी ऐसा ही किया। उसने उसको जेब में उठाकर रख दिया और अपना काम करने लगा। सुपरवाइजर ने फिर से बहुत चिल्लाया लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर उसने लास्ट में एक छोटा सा कंकर फेंका। तो जैसे ही एक वर्कर के ऊपर वो कंकर पड़ा तो उसे दर्द हुआ। फिर उसने ऊपर देखा। ऊपर देखने के बाद भी उसने ये नहीं पूछा कि सर क्या काम था। उसने ये पूछा कि यहाँ इतने सारे वर्कर्स हैं, आपने मुझ पर ही कंकर क्यों फेंका। जब पैसा मिला था तब किसी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर इतने सारे वर्कर्स हैं, पैसा मेरे पास ही आके क्यों गिरा। कुछ समझ में आया कि नहीं दोस्त? हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। ऊपर वाला जब हमें अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है तब हम उसे अपना नसीब मान के उसके ऊपर प्राउड करते हुए कि मेरा नसीब तो बहुत अच्छा है ये कहते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस गिफ्ट के लिए ऊपर देखते तक नहीं है, थैंक्स तक नहीं कहते हैं। उन अच्छे वक्त में भी वो हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है, प्यार से सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हम तो ऊपर देखते ही नहीं हैं। और फिर ना चाहते हुए भी उसे छोटा सा कंकर फेंकना पड़ता है, और उन कंकरों को हमने नाम दिया है प्रॉब्लम्स। तो जब ये प्रॉब्लम्स आते हैं हमारी लाइफ में तब हमको दर्द होता है और तब हम ऊपर देखते हैं, लेकिन ऊपर देखने के बाद भी हम ये समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं ये आपने क्यों फेंका। क्या कहना चाहते हो आप? हम तो ऊपर देख के भी यही कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। क्या समझे इस कहानी से? डायरी में लिख देना आज और कमेंट करके ज़रूर बताना। जाते जाते यही कहूँगा कि तुझे बस इतना यकीन करने की ज़रूरत है कि यार तेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। चल मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। हैव अ फैंटास्टिक डे। बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।